हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजा मोइंटा चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जियो फोन के बारे में। जियो फोन नेक्स्ट जो कि लॉन्च होने वाला था 10 सितंबर को, लेकिन दोस्तों वो लॉन्च नहीं हुआ। दोस्तों इसका लॉन्च डिले हुआ है, कब इसका लॉन्च है सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट जो कि 10 सितंबर को लॉन्च होने वाला था, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाया, जो कि बहुत सारे रीज़न इसके पीछे था। लेकिन दोस्तों अब जियो फोन नेक्स्ट जो है वो दिवाली के आसपास लॉन्च होने की बात यहां पर चल रही है। लेकिन दोस्तों ये डिले क्यों हुआ इसके बारे में अगर बात करें, दोस्तों जैसे आप सबको पता होगा कि ग्लोबल चिप का जो यहां पर शॉर्टेज चल रहा है, जिसके जरिए यहां पर बहुत सारी कंपनियां फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है, जो कि ह्यूज डिमांड है चिप्स का मार्केट में, जो कि चिप होता है यहां पर जो प्रोसेसर से ही सारा काम होता है। तो दोस्तों उसी के ज़्यादा डिमांड के चलते यहां पर सप्लाई उतना हो नहीं पा रहा है, जिसके जरिए प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिले हमको देखने को मिला है, जिसके जरिए जियो फोन नेक्स्ट का भी यहां पर लॉन्च डेट डिले हो चुका है। तो दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट जो कि सब उसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, जो कि एक बजट स्मार्टफोन होगा, जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन है लेकिन बजट सेगमेंट में आएगा, जो कि 3500 के प्राइस में लॉन्च होने का बात चल रहा है। ग्लोबल चिप यहां पर जो शॉर्टेज है उसी के चलते यहां पर डिले हो चुका है, और यहां पर दिवाली के आसपास लॉन्च होने की बात यहां पर चल रही है। लेकिन दोस्तों जब भी यहां पर ये लॉन्च होगा तो दोस्तों पूरा एक फुल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप जियो फोन नेक्स्ट से जुड़े जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।